दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस पूरी दुनिया में अगर आप ढूंढने निकले हैं एक सुखी व्यक्ति को तो आप सारी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को एक दुख तो रहता ही है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो आदमी को सुखी होने नहीं दे रही है? अगर आपको ये बात जानना है तो ये वीडियो आपके लिए, इसको ज़रूर सुनिएगा। ये 2 मिनट का वीडियो दोस्तों, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। दोस्तों एक बार की एक बात है कि एक महात्मा बुद्ध अपने शिष्य और बाकी लोगों के साथ सभा में बैठे हुए थे और उनको सुनने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। उनके शिष्य ने उनसे सवाल पूछा कि महात्मा जी, आप मुझे बता सकते हैं क्या इस सभा में कौन सबसे ज़्यादा सुखी है? महात्मा जी ने बोला, हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, इस लाइन में जो सबसे आखिरी में एक आदमी बैठा हुआ है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। अब उसके शिष्य ने बोला कि महात्मा जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सभी दुखी हैं और सिर्फ वही सुखी है? तो उसने बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से। महात्मा जी, महात्मा बुद्ध ने सभी से एक सवाल पूछा एक एक करके कि बताओ तुम्हें भगवान से क्या चाहिए। तो सभी ने कोई ना कोई इच्छा प्रकट कर दी। किसी को धन चाहिए, तो किसी को घर चाहिए, तो किसी को संतान चाहिए, तो किसी को अपने दुश्मन पर विजय पाना है, तो किसी को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। जब उस आदमी की बारी आई और महात्मा बुद्ध ने उसे पूछा, बताओ भाई तुमको क्या चाहिए, तो उस आदमी ने कहा कि भगवान, मुझे तो भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे अंदर किसी चीज़ को मांगने की चाह भी ना आए। अगर मेरे अंदर इस तरह की एक मनोबल और इच्छा शक्ति प्रकट हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, क्योंकि मुझे किसी बात का दुख नहीं होगा कि मुझे कुछ भी चीज़ अगर नहीं मिली तो। ये बात सुन के महात्मा बुद्ध के शिष्य समझ गए। दोस्तों आई होप कि आप भी ये बात सुन के समझ गए हों। ये इस स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर चाह है वहाँ पर सुख कभी नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपके मन में किसी चीज को चाहने की प्रबल शक्ति है तो आपके मन में उस चीज को पाने तक, और उस चीज को अगर आप नहीं पा पाए तो आपके मन में छोटा सा दुख बैठ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको सुखी होना है तो अपने अंदर अपने मनोबल शक्ति को बढ़ाइए, अपने विल पावर को बढ़ाइए और अपने अंदर की चाह को खत्म कीजिए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। सो क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं एशिया टेलीकॉम या फिर स्मार्ट डेवलपर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये है मेरी मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की बुक, और ये अब आ चुकी है और ये मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आप इस पे देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने इसकी परचेस लिंक इस वीडियो में जरूर डाली होगी। बाकी अब इस बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं, इसमें सोनी, ब्लैकबेरी, ऑसस, MI, सौमी, सैमसंग और मीडियाटेक के या कॉलकम के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, सारी इसमें जानकारी चित्र के साथ दी हुई है। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी सस्ती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.